हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी की। जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप चाहे तो रिफ़र कर सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो देखिए, आज का जो लेक्चर है वो उसमें आप लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं कि आज डिफरेंट तरह की रैम हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की रैम होती है और कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सो क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या शॉर्ट में इसको रैम भी बोलते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले रैम को डिस्कस करेंगे डिटेल में। भाई, रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रैम कंप्यूटर के अंदर होती है, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो इसकी टेक्निकल डिटेल है रैम के बारे में बात करेंगे। फिर रैम जो दो तरह की होती है, जैसे हमने कहा स्टैटिक रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम, यानी कि यू कैन से ईडीओ, ईडीओ रैम, ये क्या होती है। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एसडी रैम, जो आप लोगों ने सुना होगा आजकल एसडी रैम और डीडीआर ये यूज होती है, एसडी रैम ये क्या होती है। और इसके बाद डीडीआर, डीडीआर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत यूज होती है। ठीक है, डीडीआर और एसडी रैम, आज हम लोग इतने तरह की जो रैम्स होती हैं इनका क्या यूज होता है, अलग अलग तरह की जो रैम्स, हम लोग पहले हम लोग रैम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्टैटिक रैम क्या होती है, डायनेमिक रैम क्या होती है, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम क्या होती है, सिंक्रोनस डाटा रैम क्या होती है, और डीडीआर क्या होती है। ठीक, तो वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं रैम से। ठीक, देखिए रैम क्या होता है। रैम को पहली बात तो यह है कि इसको कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, या इसको सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि रैम क्या होती है, जनरली इसको यूज करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी डिस्क्राइब करने में। हम रैम बताते हैं कि भाई इतनी रैम है। ठीक है, रैम मीनिंग दैट द कंप्यूटर कैन राइट टू द मेमोरी एंड लेटर रीड फ्रॉम इट। मतलब रैम में क्या होता है, रैम में हम मान लीजिए ये रैम मेमोरी है, तो इसमें हम डेटा लिख भी सकते हैं और बाद में हम इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक, ये दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, जनरली स्पीड वाइज जो है रैम क्या होती है, रैम फास्ट मेमोरी होती है। क्लियर। अच्छा, इसको रैंडम एक्सेस, देखिए इसका जो हमने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इस रैंडम एक्सेस का क्या मतलब हुआ, इस रैंडम एक्सेस का ये मतलब हुआ कि द रैंडम नेचर ऑफ द मेमोरी मींस दैट द कंप्यूटर कैन राइट देन रीड और राइट एट एनी टाइम रैंडमली, यानी कि इसको रैंडम एक्सेस इसलिए बोलते हैं कि कंप्यूटर कभी राइट भी कर सकता है, फिर उसको रीड भी कर सकता है, फिर उसके बाद राइट भी कर सकता है रैंडमली, कभी भी, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक, और कुछ बातें जो रैम के बारे में है वो आपको, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि रैम क्या है, ये वॉलेटाइल मेमोरी है।
वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि जब तक पावर ऑन रहेगी तब तक उसके अंदर वो डेटा रहेगा, और जैसे ही पावर ऑफ हुई वो डेटा इरेज हो जाएगा। तो इसीलिए रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, पहली चीज। ठीक, अब उसके बाद टाइप ऑफ रैम जो यूज होता है कि ओवर द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स देयर हैज बीन सेवरल डिफरेंट वेरिएशन ऑफ रैम यूज्ड इन कंप्यूटर, सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स आर। मतलब पहले तो देखिए केवल ठीक है रैम थी और रैम यूज होती थी, अब जैसे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट होते गए वैसे वैसे रैम भी डिफरेंट तरह की यूज होने जाने लगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल DIMM ये रैम होती है, फिर हो गया आपका RIMM, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रैम, फिर है आपका SIMM, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रैम, फिर है आपका SODIMM। ठीक, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब रैम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका SOORIMM। तो ये जैसे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट होते गए ये डिफरेंट तरह की रैम यूज की जाने लगी, DIMM, RIMM, SIMM, SODIMM और SOORIMM। तो ये डिफरेंट तरह की रैम यूज की जाने लगी। उसके बाद क्या हो गया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती गई, ठीक, उसका क्या फर्क पड़ा कि किसी भी कंपोनेंट के फैब्रिकेशन में आईसीज का इस्तेमाल होने लगा, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। ठीक है, तो रैम क्या है, रैम इज ऑफन एसोसिएटेड विद वॉलेटाइल टाइप्स ऑफ मेमोरी वेयर द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन पावर इज रिमूव्ड। तो आज के समय में लेटेस्ट उसमें रैम को जनरली आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, समझ गए। एक तो हो गया आपका क्या, उसको सिंपली रैम बोलते हैं या कायदे से वो कहलाती है एस रैम, मतलब स्टैटिक, और दूसरी होती है डी रैम, मतलब डायनेमिक रैम। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होती है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि स्टैटिक रैम क्या होती है, डायनेमिक रैम क्या होती है, सारी चीजें। नाउ वी फर्स्ट स्टार्ट विद स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम क्या होती है कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM इज ए कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू होल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हालांकि ये DRAM से फास्ट होती है लेकिन इसमें इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट पावर फ्लो। ठीक है, और ये फास्टर होती है, दिस इज फास्टर देन DRAM, ये आपको याद रखने वाली चीज है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि SRAM जो होती है ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव, ठीक, इसको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। ठीक, और इट इज कॉमनली, ये जनरली यूज कहाँ होती है, ये यूज होती है कैश में। कैश मेमोरी क्या होती है, अभी हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कैश मेमोरी में और वीडियो कार्ड के, वीडियो या जिसको ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं, वीडियो कार्ड की मेमोरी में SRAM का इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गया SRAM के बारे में। अब आप आ जाइए डायनेमिक रैम के बारे में। डायनेमिक रैम, ठीक, तो देखिए डायनेमिक रैम क्या होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी
इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फाउंड मेमोरी मॉड्यूल्स इन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन. डी रैम स्टोर्स इट्स इंफॉर्मेशन इन ए सेल कंटेनिंग ए कैपेसिटर एंड ए ट्रांजिस्टर. बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन दीज सेल्स मस्ट बी रिफ्रेश्ड विद न्यू इलेक्ट्रिसिटी एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स, अलाउइंग द मेमोरी टू कीप इट चार्ज एंड होल्ड द डेटा एज लॉन्ग एज नीडेड. यानी कि डायनेमिक रैम में क्या होता है, जो डेटा स्टोर होता है उसको स्टोर रखने के लिए एक सेल का यूज होता है, सेल का, ठीक है. और इस सेल में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है. ट्रांजिस्टर क्या चीज होती है, मैंने आपको पहले बताया, मैं अभी आई बटन में वो उसका वीडियो का लिंक डाल भी दूंगा. आप मेरी दूसरे वाले चैनल पे जाएंगे, श्री अनंता ट्यूटोरियल टेक्निकल पे, ट्रांजिस्टर के बारे में जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज हैं वो आप देख लेंगे, ट्रांजिस्टर क्या होता है आपको पता चल जाएगा. तो इसमें एक ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है. कैपेसिटर की भी वीडियो उस वाले चैनल पे पड़ी हुई है, वो भी आप रिफर कर सकते हैं. इन दोनों वीडियोस का मैं आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप इसको इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर क्या होता है. तो डायनेमिक रैम में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है सेल में, और सेल किससे मिलकर बना होता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से. ठीक, बस ये बेसिक चीज होती है डायनेमिक रैम में, ठीक है. इसके बाद क्या होता है कि डायनेमिक रैम का ज्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्टैटिक रैम, और इन अदर वर्ड यू कैन से द डिजाइनर्स प्रीफर डी रैम बिकॉज दे वर स्मॉलर इन फिजिकल साइज. ठीक है, यानी डायनेमिक रैम का जो साइज होता है वो एस रैम से कम होता है, इसीलिए डायनेमिक रैम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. Therefore, more and more research were carried out on DRAM technology. ठीक है, तो इसीलिए जब DRAM का साइज छोटा था और ये यूज करने में सही था, तो इसीलिए DRAM पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया गया और पूरी DRAM की एक फैमिली ही डेवलप की गई ईयर के साथ साथ. ठीक है, अब उसकी अगर आप डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो आपको मैं बता दूंगा तो बढ़िया रहेगा. ठीक है, तो अगर हम डी रैम फैमिली की बात करेंगे तो सिंपली आप इसको अलग से समझ सकते हैं कि डायनेमिक रैम मेमोरी टेक्नोलॉजीज कि कैसे कैसे ईयर के साथ साथ इसका डेवलपमेंट होता गया. ठीक, तो जैसे देखिए, सबसे पहले जो रैम आई थी वो था आपका FPM. ठीक, ये कब आया था, 1990 में. क्लियर, इसकी स्पीड क्या थी, 25 मेगाहर्ट्ज, केवल इतनी स्पीड थी. बस विद जो थी इसकी वो 64 बिट, यानी 64 बिट डेटा ये एक बार में यहां से वहां ले जा सकती थी. ठीक, बैंडविड्थ कितनी थी, 200 मेगा बाइट पर सेकेंड. अब इसमें जो देखिए कुछ जो टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही हैं वो आप मेरी दूसरे वाले चैनल पे जाएंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या आप कमेंट लाइन में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको. देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप ऑफ रैम टाइप, यहाँ हमने लिख दिया किस ईयर में ये इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ हमने लिख दिया मैक्सिमम क्लॉक रेट. अब मैक्सिमम क्लॉक रेट क्या होता है, या आप कमेंट लाइन में आप सजेशन में डालिएगा तो मैं आपको अलग से इन टर्म्स पे, जैसे ये क्या है बस विद, इन सारी टर्म के बारे में अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ये है पीक बैंडविड्थ, ठीक, और उसके बाद कितने वोल्टेज पे ये काम करेगी, वोल्ट्स. ठीक है, तो ये सारी टर्म अगर आपको नहीं क्लियर होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा, मैं केवल इन टर्म पे ही, इन टर्म में मतलब देखिए मैक्सिमम क्लॉक रेट, बस विद, पीक बैंडविड्थ और वोल्टेज, तो चलिए इतने वोल्टेज पे काम करता है, इन तीनों पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक, अब हम लोग लौट आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे, कितने वोल्ट पे ये काम करता है, 5 वोल्ट पे. ठीक, ये तो थी पहली FPM. उसके बाद जो रैम आई वो थी EDO.
एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, ये इंट्रोड्यूस की गई 1994 में, ठीक है। ये कि इसकी स्पीड देखिए, आप देखते जाएंगे स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, बस विद और पीक बैंडविड्थ, आप जैसे जैसे देखेंगे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये 25 की बजाय 40 मेगाहर्ट्ज पे काम करती थी, आप ये समझ लीजिए, तो ये और फास्ट हो गई। बिट तो वही रहा 64 बिट, ठीक, और बैंडविड्थ जो है इसकी बढ़ गई, वो हो गई 320 Mbps, और वोल्टेज ऑपरेशन भी आपका वही रहा, ठीक। उसके बाद जो रैम आई वो आई SD RAM, SD RAM कब इंट्रोड्यूस हुई, 1996 में। इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई 133 मेगाहर्ट्ज़। बिट कैपेसिटी इसकी कितनी रही, ये तो उतनी रही 64 बिट। बैंडविड्थ इसकी अब देखिए यहां पे मेगा बाइट पर सेकंड से बढ़ के 1.1 और ये हो गया गीगा बाइट। मेगा, गीगा, टेरा, ये सब क्या होता है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। और यहाँ पावर की देखिए जरूरत कम हो गई, ये 3.3 वोल्ट पे ही काम करती थी, ठीक। उसके बाद SD RAM के बाद जो रैम आई वो हो गया आपका RD RAM, ये इंट्रोड्यूस हुई 1998 में, क्लियर। इसकी स्पीड हो गई 400 मेगाहर्ट्ज और ये X2 स्पीड से काम करने लगा, ठीक। ये और बिट इसका हो गया 16 बिट, समझ रहे हैं। और बैंडविड्थ इसकी हो गई आपकी 800 मेगाबिट बाइट्स पर सेकेंड, और वोल्टेज रिक्वायरमेंट थी इसकी 2.5 वोल्ट। अब इसमें देखिए इसमें क्या था, खाली एक ये जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी केवल वो कम थी, बाकी बैंडविड्थ भी कम थी, बिट भी कम ले जा सकती थी ये, और हाँ क्लॉक रेट यहाँ पे बढ़ गई थी। लेकिन इसमें मेन जो ये है देखिए, यहाँ पे 64 बिट की बजाय ये 16 बिट पे आ गई थी, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद आई आपकी DDR SD RAM, ये इंट्रोड्यूस की गई ईयर 2000 में, ठीक। इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें देखिए स्पीड तो मान लीजिए इसकी थोड़ी कम थी, ये भी X2 टेक्नोलॉजी पे काम करती थी, ये वापस 64 बिट पे आ गया, ये सही हो गया। इसकी स्पीड देखिए, इसकी बैंडविड्थ हो गई 4.2 गीगाबाइट पर सेकेंड और वोल्टेज रिक्वायरमेंट 2.5 वोल्ट, तो यानी कि इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा बेटर हो गई। क्यों, वोल्टेज रिक्वायरमेंट उतनी ही रही, बैंडविड्थ बढ़ गई, बस की कैपेसिटी बढ़ गई, 64 बिट हो गई, हाँ यहाँ पर क्लॉक स्पीड थोड़ी कम हो गई, इसको आप कह सकते हैं। फिर फर्दर डेवलपमेंट किया गया इसमें, तो आ गई DDR2 और SD RAM। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये आया 2003 में। इसमें क्या हुआ, ये जो स्पीड कम थी इसको, इस प्रॉब्लम को भी दूर कर लिया गया, ये हो गई 533 मेगाहर्ट्ज पे काम करने लगी और X2 टेक्नोलॉजी पे, ठीक, 64 बिट सही है। फिर इसकी बैंडविड्थ और ज़्यादा हो गई, 8.5 गीगाबाइट पर सेकेंड, यानी देखिए ये बढ़िया हो गई फिर से, और इधर वोल्टेज रिक्वायरमेंट भी कम हो गई, 1.8 वोल्ट पे ही काम करने लग गई। मतलब इसकी अपेक्षा वोल्टेज भी कम, बैंडविड्थ भी ज़्यादा, बस कैपेसिटी भी ज़्यादा, क्लॉक रेट भी ज़्यादा, यानी कि अभी तक ये बेस्ट रही। इसके बाद DDR2 के बाद फर्दर डेवलपमेंट किया गया, फिर अब जो आज के समय में यूज़ हो रही है DDR3 SD RAM, ये इंट्रोड्यूस की गई 2007 में। इसकी क्लॉक स्पीड हो गई 800 मेगाहर्ट्ज़ और ये भी X2 टेक्नोलॉजी पे थी, ठीक, 64 बिट डेटा ये ले जा सकती थी, और इसकी बैंडविड्थ हो गई 12.8 गीगाबाइट पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा,
और इधर वोल्टेज रिक्वायरमेंट और कम हो गई, पावर की रिक्वायरमेंट। यानी इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि ये जो रैम है दिस इज द बेस्ट, दिस रैम इज बेस्ट, इसमें पावर की रिक्वायरमेंट कम है, बाकी क्लॉक रेट ज़्यादा है, आपकी बस की विड्थ ज़्यादा है। बस क्या होती है, मैंने कहा कि इन तीनों टर्म पे अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। और बैंडविड्थ भी ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये डेवलपमेंट होते होते हम इस पे पहुंचे जो आज के समय में यूज हो रही है, और ये बेस्ट रैम है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ईडी रॉम, ईडीओ रैम। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ई डी ओ रैम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड डाटा, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम। ठीक है, ये होता है। ये क्या है कि ईडीओ हेल्प्स अलाउ ए सीपीयू टू एक्सेस मेमोरी टेन टू। ये सारा देखिए पिछले हम लोग उसमें जो है अभी जो हमने टेबल आपको ड्रॉ की थी उसमें आपने देखा होगा कि ईडीओ की स्पीड ज़्यादा है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ईडीओ हेल्प्स अलाउ ए सीपीयू टू एक्सेस मेमोरी 10 to 15% फास्टर देन द कॉम्पिटेबल फर्स्ट पेज। जो जो हमारा पिछली टेबल में आपने देखा होगा जो एफपीएम था उससे ईडीओ की जो स्पीड थी वो 10 से 15% फास्टर थी। ठीक है, तो ये यूज था ईडीओ रैम का। उसके बाद फिर आपने एसडी रैम देखा था, एसडी रैम बेटर थी, फिर आपने डीडीआर देखा था। ठीक, तो मेन जो आपने रैम की जो क्वालिटी है या रैम की जो परफॉर्मेंस है, क्वालिटी भी नहीं परफॉर्मेंस, वो जनरली चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक हो गया आपका कि मैक्सिमम क्लॉक रेट, क्लॉक रेट। ठीक है, जो अभी हमने पिछली टेबल में ड्रॉ किया था आपको सारा। दूसरा हो गया कि बस बस विद, मतलब कितने बिट्स वो एक बार में ले जा सकती है, 1 to 1 to। तीसरा हो गया आपका क्या था, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। और चौथा था ऑपरेटिंग पावर या ऑपरेटिंग वोल्टेज समझ लीजिए। ठीक है, तो किसी की रैम की परफॉर्मेंस जो है वो इसी पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम क्लॉक रेट, बस की विड्थ, बैंडविड्थ, ऑपरेटिंग वोल्टेज। अब जो हमने लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले अपनी टेबल में जो हमारी DDR3 थी, समझ गए, उसकी हम लोगों ने देखिए मैक्सिमम क्लॉक रेट हमको मैक्सिमम चाहिए, बस विद भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, बैंडविड्थ भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और ऑपरेटिंग वोल्टेज हमको कम से कम चाहिए। तो DDR3 के केस में हमने देखा था कि जो हमारी मैक्सिमम क्लॉक रेट थी वो कितनी थी, 800 MHz X2 टेक्नोलॉजी पे थी, इतनी थी। ठीक, बस विद कितनी थी, 64 बिट थी। बैंडविड्थ कितनी थी हमारी, 12.8 GB/s। ठीक, और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो बहुत कम था, 1.5 वोल्ट। तो यानी आज के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये जो DDR3 SD रैम है दे आर वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज। ठीक, तो आई होप कि आपको रैम के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी टर्म्स ऐसी है जो नहीं क्लियर हो प्लीज़ आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, मैं आपको या तो कमेंट लाइन में आंसर दे दूंगा, या अगर कई टर्म्स होंगी तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए। और जो टर्म्स मैंने यूज़ किए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे मैक्सिमम क्लॉक रेट था, बैंडविड्थ था और आपकी बस विड्थ थी, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं क्लियर हैं तो आप इसको बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। और इसमें मैंने दो और टेक्निकल चीज़ें आई थी, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर,
उसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे दूसरे चैनल पे, श्री अनंता ट्यूटोरियल टेक्निकल के नाम से चैनल है। अब मैं उन दोनों वीडियोस का आई बटन में आपको डाल दूंगा लिंक भी। उसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो उस चैनल पे जाके और भी जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको आसान सी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको पढ़ के उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।